आज इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, आउटसोर्सिंग वाली नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, जिससे कि नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, देश की करोड़ों करोड़ों जनता को इस महंगाई से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। किसानों पर ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर के बुलेट से फायरिंग की जा रही है, रास्ते में कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, किसानों को दुगना लाभ न देना पड़े, ये आवाज दबाई जा रही है। हम किसानों के ऊपर हो रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आएंगे। इसी के साथ ही साथ आज जो लोग मंसूबा पाले हैं, अभी पूर्व मंत्री श्री भगवती सागर जी एक अखबार की कटिंग दिखा रहे थे, जिसमें आरएसएस ने अपना उस समय दिया था कि नए संविधान का प्रारूप क्या है, यानी संविधान बदलना चाहते हैं। साथियों जानते हो, इस सुअवसर लाने के लिए हमारे देश के तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, कभी संतों गुरुओं ने लड़ी, संत रविदास जी ने लड़ी, संत कबीर जी ने लड़ी, गुरु नानक जी ने लड़ी, तो कभी हमारे सामाजिक क्रांति के अन्य महापुरुषों में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबाराव फुले जी ने लड़ी। इस देश की प्रथम छत्रपति साहू जी महाराज इस लड़ाई को लड़े, अवसर मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन सभी महापुरुषों की उस दर्पण को, उस विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश को एक ऐसा भारतीय संविधान दिया जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो यहां पर बैठे हैं, भारतीय संविधान के पहले हम सभी लोगों को शूद्र कह करके जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा। हमें भारतीय संविधान बनने के पहले हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था,